चल। आप ये देख सकते हैं कंटेनर हटा दिए गए हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने कंटेनर हटा दिए हैं और विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं आवाम का एक समंदर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान मौजूद है और सामने पुलिस के अहलकार मौजूद हैं। आपको बिल्कुल फ्रंट से ये सूरत हाल दिखा रहा हूँ, ये सूरत हाल है यहाँ की। नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार के नारे लगाए जा रहे हैं, कंटेनर हटाए जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी, देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, चारों तरफ से शेलिंग जारी है लेकिन कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जज्बा, ये जुनून आप देख सकते हैं। इस तरफ आप अवाम का एक समंदर देख सकते हैं, अवाम की एक कसीर तादाद देख सकते हैं जो यहाँ मौजूद है और इस शेलिंग का सामना कर रही है। सो ये जज्बा है, ये जुनून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। ये सूरत हाल है इस टाइम, ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जहाँ डट कर खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, शेलिंग की जा रही है, कंटेनर हटाए जा रहे हैं, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो पंजाब पुलिस दिखाएं जी, दिखाएं पंजाब पुलिस टोलियों में पहाड़ियों के ऊपर मौजूद है लेकिन कारकुनान यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद है। सो आप ये देख सकते हैं एक और कंटेनर जाने लगा है, वो देखें जी, विक्ट्री बनाई जा रही है, ये सूरत हाल है। वो ऊपर पुलिस दिखाए, उस पहाड़ी के ऊपर भी पुलिस मौजूद है। सो ये जज्बा है, ये जुनून है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान डट कर खड़े हैं। उस तरफ भी पुलिस दिखाए, शेलिंग की जा रही है, ये आपको शेल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शदीद शेलिंग की जा रही है लेकिन कारकुनान का कहना है कि हम किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे, हम डट कर खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे। सो ये देख सकते हैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ, शदीद शेलिंग में आपको ये मनाजर दिखा रहा हूँ। ये आवाम है, आवाम का जज्बा है, जुनून है। एक तरफ पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग जारी है और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह शदीद शेलिंग की जा रही है, ये देख सकते हैं उमर सुल्तान साहब, देखे यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान यहाँ मौजूद है, एक कसीर तादाद ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान मौजूद है, डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और ये आप जज्बा, ये जुनून आप देख सकते हैं। और वो आगे आप देखें, गाड़ियों पे लोग जा रहे हैं, देखें जी वो देखें, वो करोला कार वाले की तरफ देखें, शेल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। आप किस तरह इनको शिकस्त दे सकते हैं, आप किस तरह इनको हरा सकते हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, आगे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और ये नौजवान गलेल से उनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल फ्रंट लाइन से ये मनाजर है, बिल्कुल फ्रंट की ये सूरत हाल है, सामने पुलिस है, शेलिंग है और यहाँ कारकुनान मौजूद है, यहाँ कारकुनान मुकाबला कर रहे हैं। ये आप आज आवाम को ये दिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रंट लाइन से दिखाने का मकसद यह है कि आवाम देखे हकीकत है क्या, आवाम देखे सूरत हाल है क्या। सो आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है, इस तरफ शेलिंग है। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है, ये देखिएगा, ये जरा जूम करके दिखाएं जी, जहां तक नजर जाएगी आवाम नजर आएगी। आज आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, जहां तक नजर जाएगी आवाम नजर आएगी। और आज आवाम ने, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया है। सो ये देख सकते हैं शदीद शेलिंग जारी है, शदीद शेलिंग जारी है लेकिन कारकुनान मौजूद है, डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इस तरफ दिखाएं जी, ये शेलिंग का माहौल दिखाएं ताकि लोग भी देखें किस तरह शेलिंग की जा रही है, शदीद शेलिंग की जा रही है, कारकुनान यहाँ मौजूद है, मुकाबला कर रहे हैं। ये देखें जी, ये दिखाएं जी, ये शेलिंग की जा रही है और कारकुनान शेल्स को पकड़ के फेंक रहे हैं। सो ये जज्बा है, ये जुनून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, विक्ट्री बनाई जा रही है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम कटी पहाड़ी की। और अगर मैं आपको वो दूर दिखाऊं, पुलिस की नफरी मौजूद है, वो पहाड़ी के ऊपर दिखाऊं, पुलिस की नफरी मौजूद है, हर तरफ पुलिस है, पूरे पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से पुलिस बुलाई हुई है। और इस तरफ अवाम का एक समंदर मौजूद है, जो जहां तक नजर जाएगी वहां तक अवाम का एक समंदर नजर आएगा। सो ये जज्बा है, ये जुनून है, ये हिम्मत है, ये जोश है, आपको अपडेट देते रहेंगे।
भाई जान उपजते रहे उपज इसको इसके लिए उपजता